सेम जैसे आ जाए ना कलर, बिल्कुल सेम चीज। शी इज माय ब्राइड टू बी, इसको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज अब जो मेहंदी लगेगी इस ग्लास में पकड़वाएगी तो मैं पिलाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ने का फायदा देखो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मेहंदी लगवा के, आई फील वेरी लकी कि आप मुझे खुद मेहंदी इतनी सुंदर लगाने आए हैं। ये शायद मैंने इतनी सुंदर मेहंदी अभी तक इंटरनेट पे भी नहीं देखी। मैंने बहुत सर्च किया कि मैं डिजाइंस ढूंढूंगी पहले, बट इतनी अच्छी मुझे कहीं नहीं मिली। सो आई एम वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू। हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मेहंदी के ब्लॉग में। जी हां गाइस, आज हम लोग गुड़गांव आए हैं और ये बहुत ही अच्छा फाइव स्टार होटल है। इस होटल का नाम और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग यहां पर ब्राइडल को मेहंदी लगाने हैं। ब्राइडल को मेहंदी आज जो लगाएंगे वो डिज़ाइन आपके जरूर शेयर करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए। गाइस मेरा नहीं आपका अपना चैनल। सो गाइस आज का ये जो वेन्यू है बहुत ही प्यारा दिखाते पूरा वेन्यू। तो गाइस हम लोग अपने वेन्यू पे आ गए हैं और हमारी ब्राइड भी रेडी हैं। बहुत जल्द आपको अपनी ब्राइड से इंट्रोड्यूस कराएंगे। मतलब वो इसके ऊपर ना हो क्योंकि वो इरिटेट होता है। कोई फिगर वगैरह तो नहीं चाहिए ना? नहीं। ठीक है तो पूरा मत बने रखेंगे अपना। ठीक है और पूरा फुल और बैक भी फुल। ठीक है और पैरों पर तो ब्राइडल भी लगनी चाहिए। सिस्टम ऐसे लगे सेशन दो, ये बोल रहे ना भर के लो उतना। हाँ ठीक है, बेशक इतना लो लेकिन पूरा ही फुल लो ताकि फील आए। हाँ सिस्टम वो ब्राइडल वाली फील नहीं आता ऐसे। अच्छा सो गाइस आज हमारी ब्राइड रेडी है और हमारी ब्राइड है, इनका नाम है सृष्टि। मैम क्या कहेंगे अपने लिए और अपनी मेहंदी स्टार्ट होने से पहले क्या आपका ओपिनियन है? आई थिंक आई एम टोटली रिलाइंग ऑन हिम फॉर द डिज़ाइन। मैंने इनको कोई ऑप्शंस नहीं दिखाया है। आई थिंक ही इज द बेस्ट, ही इज द प्रोफेशनल, सो आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन हिम फॉर व्हाटएवर ही डज। ही विल डू द बेस्ट। आई थिंक मेहंदी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक करेंगे। Oh, 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 oh
सो गाइस मैंने ये पूरा एक मिनट, सो गाइस मेहंदी हाफ रेडी हो चुकी है और ये यहाँ से लेके लेंथ थी एल्बो से थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा मैं चाहूँगा पास में आएंगे आप, यहाँ से डाउन मैंने लेंथ दी है और ये मैंने नहीं दी, क्लाइंट की खुद की चॉइस थी, ठीक है। और अभी हम रिस्ट तक पहुँच चुके हैं, जो लोग चाहते हैं एक अच्छी मेहंदी को लगाना या फिर सीखना, तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पर गुंबद दिया हुआ है, गुंबद के अंदर मधुबनी का पैटर्न है, ठीक है। और इसके ऊपर ये मैंने ड्रॉप्स दिए हुए हैं और ये लेटेस्ट चेक है जो ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, ठीक है। ये चेक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे ये मधुबनी दी है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की चीज़ मैं आपको सिखाऊं, गाइड करूं, तो गाइस आप मेरी क्लास का वेट करें, मैं आपको क्लास में जरूर गाइड करूंगा। और ये नीचे झकझक चेक दिया है, तो अभी फिलहाल इतनी मेहंदी कंप्लीट हुई है और अपनी हम आज की ब्यूटीफुल ब्राइड से पूछेंगे कि उनको अभी तक ये कैसी लगी है। मुझे, मैं तो आई हैव नो वर्ड्स, आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी मेहंदी है ये, सो थैंक यू। तो गाइस अभी ये कम्प्लीट हुई है और पैर ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है और बाकी की जो पाम है और दूसरा हैंड है वो भी दिखाएंगे बहुत जल्द कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। और ये बहुत सुंदर डिज़ाइन हैं और जब ये रिमूव होंगे आफ्टर 10 to 15 days में, तो ये नेचुरल तरीके से रिमूव होंगे और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो गाइस आगे बने रहिए। 10 बजे पहुंचना है ना आंटी ने कहा, 10 बजे तक आने को, तो वो भी 10 बजे तक ही पहुंच जाऊंगी मैं। बस बस बस। See if you just wake up, just wake up. शी इज़ माई ब्राइड टू बी, इसको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज अब जो मेहंदी लगेगी इस ग्लास में पकड़वाएगी तो मैं पिलाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ने का फायदा देखो। और मुझे लगता है कि आप दोनों का एक अच्छा लक है क्योंकि जनरली जब ब्राइड की मेहंदी लगती है तो हस्बैंड बहुत दूर होते हैं, अपने घर होते हैं, लेकिन आज हस्बैंड और ब्राइड दोनों एक साथ है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मेमोरेबल पॉइंट है और बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा पॉइंट है, इसको शायद कभी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे आज आपके हस्बैंड के साथ खड़े हैं? आई थिंक आई एम वेरी लकी क्योंकि हमने ऐसे प्लान किया, इन्होंने प्लान किया जब मेहंदी लग रही है मेरे साथ है मेरा ध्यान रखने के लिए, जब मेरा ये हाथ बिजी हो जाएगा तो मुझे खाना खिलाने के लिए और वाइन पिलाने के लिए। क्या बात है गाइस, जब मेहंदी नहीं लग रही होगी तब भी। एग्जैक्टली आप सभी ने देखा होगा जनरली जब ब्राइड की मेहंदी लगती है तो उनके बगल में उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है या सिस्टर होती है, कोई जो उनके बहुत क्लोज होती हैं, बट यहाँ पर ना कोई फ्रेंड है ना कोई सिस्टर है, कोई नहीं है, यहाँ पर ब्राइड के हस्बैंड हैं, सिर्फ उनका ख्याल रखने के लिए स्पेशली आए हुए हैं। बेस्ट ब्राइड। सो गाइस ये वाला हमारा हैंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मधुबनी दी है, ये ड्रॉप्स दिए हैं, फिर यहाँ पर आउटलाइंस देखिए बारीक फीलिंग, एंड ये पूरा कवरअप किया है। और यहाँ मैंने टिप्स नहीं दिए हैं, टिप्स की जगह डिज़ाइनिंग दी है ताकि ये और भी अट्रैक्टिव लगे, हाईलाइट करे, ठीक है। देन अगर हम सेकेंड हैंड की बात करते हैं,
यहाँ पर, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप ब्राइड की मेहंदी लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दोनों की ओपनिंग कोशिश करना कि सेम रखो। और इसमें मैंने पैटर्न चेंज किया हुआ है, लोटस दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने फ्लावर थीम दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे का जो चेक है वो चेंज है, बहुत डिसेंट है और डायनेमिक चेक है। इसके नीचे मैंने मधुबनी दी है ताकि ये हाईलाइट करे गाइस। मधुबनी मेरा फेवरेट है और मधुबनी मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आ रहा है। और यहाँ ये एलिफेंट का डिज़ाइन दिया है मॉडर्न थीम में, यहाँ ये बारीक फिलिंग दी है। तो गाइस ओवरऑल मैंने ये कंप्लीट किया है यहाँ से लेके कलाई तक। अब मैं बात करता हूँ कलाई के नीचे क्या करना है, वो आप देखना कि मैं किस तरीके से ये पूरा बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, अगर आप इसको देख के बारीकी से समझते हैं तो गाइस इससे अच्छा कोई डिज़ाइन ही नहीं है, ठीक है। इशू है तेरे साथ तो तू लड़के वालों की तरफ से आ, तो मैंने कहा हाँ वेरी हैप्पी टू हैव यू एट माय साइड। शायद मुझे मेहंदी लग रही है, बकवास कर रहा है। वो लड़की वालों की तरफ से ही रहेगी हमेशा। नहीं हेलो, हाँ जी आशु जी, मैंने आपको वो डिटेल्स ना मेल कर दी, मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट ही लगा दिया है। सो गाइस अपनी ब्राइड से पूछते हैं कैसा लगा आज उनको अपनी ब्राइडल मेहंदी का स्पेशल एक्सपीरियंस। तो सिस्टर जी कैसा लगा आज बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मेहंदी लगवा के। आई फील वेरी लकी कि आप मुझे खुद मेहंदी इतनी सुंदर लगाने आए हैं। ये शायद मैंने इतनी सुंदर मेहंदी अभी तक इंटरनेट पर भी नहीं देखी। मैंने बहुत सर्च किया कि मैं डिज़ाइन ढूंढूंगी पहले, बट इतनी अच्छी मुझे कहीं नहीं मिली। सो आई एम वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आज की ट्रेनिंग कह लो या क्लास कह लो या आज का ब्यूटीफुल सा ब्लॉग कह लो गाइस मज़ा आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जो इसमें जो डिज़ाइन दिए मैंने, जो मधुबनी का पैटर्न दिया है, वाकई में बहुत सुंदर है। और ये जब मेहंदी रिमूव होती है आपके हैंड से तो इसका कलर भी बहुत सुंदर आता है। गाइस अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की ट्रेनिंग या इस प्रकार के ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लाता रहूँ, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है आप बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बहुत हाई होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद आपके लिए कुछ नया से नया क्रिएट करूंगा। इस बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइस हमारी मेहंदी की बुकिंग, हमारा मेहंदी का इवेंट कंप्लीट हो चुका है और हम लोग गुड़गांव में हैं। ये ट्राइडेंट गुड़गांव का 5-स्टार होटल है और ये बहुत ही अच्छा होटल है गाइस। हमने आपको पूरा मेहंदी का इवेंट बारीकी से दिखाया, किस प्रकार से हमने ब्राइडल को मेहंदी लगाई और हमारी ब्राइडल बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। गाइस इसी तरह आप लोग अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना सपोर्ट हमेशा करते रहें और मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन देते रहें ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग बनाऊं। और गाइस बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही सुंदर और वैल्यूबल ट्रेनिंग और क्लास लेके आऊँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग लेके आऊँगा। फाइनली गाइस हम लोग अपने घर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। ओ भाई मैंने क्लैपिंग की तो ये पूरा गूंज रहा है, मतलब सच में बहुत अच्छी जगह है गाइस, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और आप लोग देखिए, जो लोग मेहंदी लवर्स हैं या जो लोग मेहंदी आर्टिस्ट हैं गाइस, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ध्यान रखें। आप लोग अपनी वैल्यू को खुद बनाना सीखें, जिस तरह आप अपनी वैल्यू को बनाओगे गाइस उसी प्रकार से आपकी वैल्यू बनेगी। आप अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और डेडिकेशन से मेहनत करें। मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि गाइस कोई भी इंडस्ट्री छोटी नहीं होती है, अगर छोटी होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच होती है। व्यक्ति इंसान अपनी सोच से छोटा बनता है। आप डेडिकेशन से मेहनत करें, आगे बढ़ें, कामयाब हों।
गाइस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जिस फील्ड में है, जहाँ भी हैं, उसमें लगे रहें, बने रहें, आज नहीं तो कल कामयाबी आपके पास होगी और आप भी इसी प्रकार के इंडस्ट्री को, इसी प्रकार की लाइफ को इंजॉय जरूर करेंगे। गाइस, मैंने आपको बहुत दिन से मोटिवेशन नहीं दिया और मुझे पता है आप लोग मेरी मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। गाइस, ध्यान रखें, आज मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, वी आर पार्ट ऑफ ग्लैमरस इंडस्ट्री। जी हाँ गाइस, ये हम लोग पार्ट हैं उस ग्लैमरस इंडस्ट्री का, जहाँ पर हमें लाइट और कैमरे में रहने की हमेशा आदत है। और गाइस, ये बहुत बड़ी और बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है। जो लोग मेहंदी लगाना सीख रहे हैं या चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि सर इसमें क्या फ्यूचर है, मेहंदी की इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मेहंदी की इंडस्ट्री ले लो या वेडिंग की कोई भी लाइन ले लो, हर लाइन में बहुत पैसा है गाइस। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सब कुछ आपके पास है, अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। बस अड़ते हैं आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। आप जिस भी काम को करें, पूरे डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ करें, आप भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं और आप भी इस टाइप की इंडस्ट्री को आजमा सकते हैं। तो गाइस, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, सोच को अच्छा रखेंगे तो गाइस सब कुछ अच्छा होगा। और आई होप, उम्मीद करूँगा आपको मेरी ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गाइस, मैं चाहता हूँ आप लोग दिल से मेहनत करें, दिल से काम करें। गाइस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोग मुझे वॉच करते हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। गाइस, आप सभी को थैंक यू सो मच। गाइस, थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्कार। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की ट्रेनिंग या इस प्रकार के ब्लॉग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लाता रहूं, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बहुत हाई होता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद आपके लिए कुछ नया से नया क्रिएट करूंगा। इस बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।